हम तेलंगाना के आंकड़े आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले जो मेथोडोलॉजी हमने फॉलो की है वो हम आपको दिखाएंगे। एग्जिट पोल में 119 सीटों पर हम गए तेलंगाना में, 34,936 हमारा सैंपल साइज है तेलंगाना का, और तेलंगाना का ये एग्जिट पोल ये अनुमान लगाता हुआ अब आपके सामने आ रहा है कि एक तरफ 46% TRS की तरफ जाते हुए तो 37% कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हुए, यानी क्या KCR अपनी जमीन वहां पर बचा पा रहे हैं? कम से कम एग्जिट पोल ऐसे ही संकेत देता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, जिसमें वो आगे चल रहे हैं 46% के साथ और 37% कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हुए, BJP 7-10 अन्य को। अब बात सीटों की करते हैं और सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इस बार हॉट बलून पर सवार हो गए हैं TRS के हेड KCR, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में आप देख रहे हैं राहुल गांधी को। अब किसके बलून में कितना दम, कौन जाता है सबसे ऊपर, आंकड़े किसका देते हैं, 7 एग्जिट पोल का नतीजा अनुमान कह लीजिए क्या संकेत देता हुआ, अब हम आपके सामने रखेंगे वो सीट जो दोनों ही पार्टियों को यहां पर आते हुए, क्योंकि TRS देखिए क्लियर मेजोरिटी 79-91 के साथ और 21-33 में कांग्रेस की है। इसको आप लैंडस्लाइड कह सकते हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री कह सकते हैं। 119 सीटों में से 79 से 91 सीटें TRS की तरफ जाते हुए, तो क्या उनका ये फैसला कि चुनाव पहले कराए जाएं वो कामयाब रहा, इसको इस तरह से भी देखा जाएगा। जल्दी से एक एक टिप्पणी इस पर अगर शुरुआत कर लें आपसे आलोक जी। देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से तेलंगाना को बनाने में जो भूमिका रही और जो काम हुए, देखिए अब इवन ओवैसी ये तारीफ कर रहे थे कि अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ काम किया गया, तो TDP और कांग्रेस ने पिछले वर्षों के दौरान जिस तरह से दक्षिण में भी अपना आधार कम किया, कर्नाटक में जीत मिल गई, लेकिन यहाँ पर यही देखिए, आपने पहले भी यदि देखा हो तेलंगाना में लोग ये मान रहे थे कि ठीक है वो कहीं भी समझौता कर सकते हैं, लेकिन तेलंगाना की अपेक्षाओं के अनुसार उसको बनाया कांग्रेस ने, तेलंगाना के गठन को स्वीकार नरसिंह राव के समय से काम चल रहा था कि कभी होगा नहीं होगा, मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे, तेलंगाना अब जाकर बना, कांग्रेस उसको ठीक से उपयोग उसका नहीं हुआ, चूंकि वहां भी संगठन कमजोर हो गया था जो कई राज्यों में हुआ, आज उसका फायदा TRS को मिल रहा है चूंकि उसके निर्माण में, और बार बार TDP को लग रहा था उसकी भीड़ देख करके, अंजना जी आपने देखा दो दिन पहले भी जितनी बड़ी भीड़ हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू के लिए दिखाई दी तो लग रहा था कि शायद कहीं उनका समर्थन हो, लेकिन उन्होंने डट करके तेलंगाना का विरोध किया था, तो TDP और कांग्रेस के गठबंधन का भी फायदा इस एग्जिट पोल से लगता है कि नहीं हुआ।